शाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र की जो बुक है घटनाचक्र टू सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग 2022 के पूर्व पाठ्यक्रम के बेस पे है और यह टेस्ट सीरीज मैं लगातार करा रहा हूँ और यह तीसरा टेस्ट सीरीज है। मतलब यह जो एक सीरीज में 30 क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि जो भी आपका पेपर आएगा 70 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे प्लस 30 प्रश्न आपके जीएस के होंगे, तो इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है 30-30 करके, तो मैं 15-15 करके मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। तो आइए टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू कराए जाते हैं और टेलीग्राम पर भी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है वह आप लोग को दिया जाता है और साथ ही साथ एमसीक्यू भी कराए जाते हैं और पीडीएफ भी कुछ दिए जाते हैं आपको, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किससे सामना करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम युद्ध था उसमें किसको सामना करना पड़ा था? तो हीरोज को, शिवराज ये अंग्रेज कमांडर था, इसको सामना करना पड़ा था। 1857 की क्रांति हुई थी, आपको पता है कि इसी में हीरोज ने कहा था कि पूरे विद्रोहियों में यह एक अकेली मर्द है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। और 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरगति को प्राप्त हुई थी, 17 जून 1858 को, 1858 को, तो ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न दो देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिकरण क्या था? चारों ऑप्शन हैं आप लोग के सामने और इसमें तात्कालिकरण क्या है ये आपको बताना है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ही, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ही तात्कालिकरण था, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न तीन देखिएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसी में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। तो यह आयोजन जो हुआ है हरियाली महोत्सव यह तालकटोरा स्टेडियम में हुआ है, तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न चार देखिएगा, जुलाई 2022 में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? तो 7 से 9 जुलाई 2022 को वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समायोजन का हुआ है उद्घाटन, मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। तो इसमें विकल्प बी जो है वो आपका सही है, विकल्प डी, तो ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न पाँच देखिएगा, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को हटाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न छः देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित से संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैस से, जलवायु परिवर्तन से या जल प्रदूषण से? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है, विकल्प सी जो होगा वह सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, UNFCCC से संबद्ध है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है UNFCCC से संबद्ध है, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। तो इससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। प्रश्न सात देखिएगा, ब्लू कार्बन क्या है? तो देखिए ब्लू कार्बन जो है महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, देखिए महासागर और जो तटीय महासागर और महासागर के तट के पास जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे जो कार्बन प्रगृहित होता है उसका तात्पर्य ब्लू कार्बन से है, तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प ए जो है वह आपका सही है, ब्लू कार्बन इसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या आठ देखिए, सूची वन को सूची टू से मिलाना है, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन जो पाए जाएंगे आपको साइलेंट वैली में पाए जाएंगे, शंकुधारी वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे, कच्छ वनस्पति जो पाएगा, कच्छ वनस्पति जो मिलते हैं वो सुंदरबन में मिलते हैं, और पतझड़ वन जो मिलेंगे वो राजस्थान में मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न नौ देखिएगा, कथन और कारण है, वन नवीकरणीय संसाधन है, कारण क्या है? ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल विकल्प ए जो होगा वह आपका सही है, नहीं विकल्प ए नहीं सही है, विकल्प बी सही है, देखिए बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। देखिए
नवीकरणीय संसाधन है, ये सही है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं कर रहा है, यह ध्यान रखिएगा। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिला है? तो राख का टीला जो मिला है वह कर्नाटक के मैसूर के पास एक बेल्लारी जगह है, बेल्लारी बेल्लारी के पास एक जगह है संगम कल्लू से मिला है, राख के टीले के अवशेष मिले हैं जो एक नवपाषाणकालीन स्थल है। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो मिदनापुर नहर जो है कंसावती नदी से संबंधित है, कंसावती नदी से निकली है। तवा प्रजोट जो है कृष्णा नदी पर बना है, नहीं देखिए कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है ना, सुनिए रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए कौन सुमिलित नहीं है, तो मिदनापुर नहर कंसावती नदी से सुमिलित है, यह सही है। मैटूर बांध जो है, मैटूर डैम जो है कावेरी से सुमिलित है। उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी के किनारे है, यह भी सुमिलित, लेकिन यही तवा प्रजोट जो है वो कृष्णा नहीं है, तवा प्रजोट जो है तवा नदी से संबंधित है, तवा नदी से संबंधित है, तो कौन सही नहीं है, यही विकल्प बी, बाकी ए सी और डी सही हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, भारत के संविधान की उद्देशिका है, भारत के संविधान की उद्देशिका यह आपको बताना है, इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो चारों विकल्प आप आराम से देख लें, भारत के संविधान की उद्देशिका इसमें सही क्या है, संविधान का भाग है, भारत की उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। देखिए एक था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का रिपोर्ट था, 1973 में आया था, इसमें ये कहा गया कि भारतीय संविधान जो है संविधान का भाग है, और लेकिन 1960 का जो था विरूढ़वादी, यह उसी वाद के विरोध में आया था जिसमें यह कहा गया था कि भारत का जो संविधान है वह भारत का जो उद्देशिका है वह संविधान का भाग नहीं है, तो इसी विरूढ़वादी वाद के विरोध में आया था, मतलब कि उसी के अपोजिट उसके फैसलों को बदला गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की रिपोर्ट 1973 के मामले में, और इसमें कहा गया था कि संविधान भारत की जो उद्देशिका है वह संविधान का भाग है, लेकिन इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। प्रश्न 14 देखिएगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है वह 35 वर्ष की आयु का हो, सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह भी सही है। देश का नागरिक हो, यह भी सही है। क्या आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा हो यह भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं होता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, विकल्प बी। प्रश्न 15 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सॉरी सॉरी मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, विकल्प सी। और अनुच्छेद 324 के 2 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह बात आप जान लें। चुनाव आयुक्त और उपचुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर GS प्रैक्टिस सेट घटनाचक यह आपका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा, यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है मित्रों, तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखिएगा। और वैसे तो एक सीरीज में 30 प्रश्न हैं और कुल 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें, इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिस सेट में मैं इसको 2 भाग में कर रहा हूँ, 15-15 क्वेश्चन करके। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।